देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। देश में दिन पर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में आज जानलेवा कोरोना वायरस के 35 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 258 पहुंच गई। इन लोगों में 229 स्वदेशी और 39 विदेशी लोग शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 52 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित है। देश में कोरोना अभी दूसरी स्टेज पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस के गिरफ्त में अब तक देश के 20 राज्य है। महाराष्ट्र में इस जानलेवा वायरस के सबसे ज्यादा 52 मरीज है, इनमें 3 विदेशी भी शामिल है। इसके बाद केरल में 28 संक्रमित लोग है, इनमें 2 मरीज विदेशी है। इन 2 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश में 22, हरियाणा में भी 17, कर्नाटक में 15, दिल्ली में 17, लद्दाख में 10, तेलंगाना में 17, राजस्थान में 17, जम्मू कश्मीर में 4, तमिलनाडु में 3, ओडिशा में 2, पंजाब में 2, उत्तराखंड में 3, आंध्र प्रदेश में 3, बंगाल में 3, चंडीगढ़ में 1, वहीं पुदुचेरी में 1 और गुजरात में 5 और छत्तीसगढ़ में 1 मामला सामने आया है। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक देश में 4 मौत हुई है। मुंबई में 64 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि दुबई से लौटा था। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया और 25 मार्च से नवरात्रि है और नवरात्रि के समय में झंडे वालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए शिलांग में आज सभी बाजार, कार्यालय, वाणिज्य प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। हालांकि सुरक्षा बल और चिकित्सा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।